प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना चाहिए, प्रेगनेंसी किट को यूज करने का सही तरीका क्या होता है, या फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जो है किस वक्त करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन आता है, ये कमेंट आता है मुझे कि मैम प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने किया बट जो है मुझे रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आया, या फिर मुझे जो इनवैलिड आया, तो क्या रीजन होता है कि आपको ये सारे जो है ये रिजल्ट आते हैं जो एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं आ पाते, आपसे क्या गलती होती है, या फिर आप टेस्ट करने में कहाँ पे गलती करते हैं। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको डिटेल में ये जानकारी देने वाली हूं, आपको लाइव वीडियो दिखाने वाली हूं टेस्ट करके कि आपको जो है रिजल्ट कैसे आता है, आपको किस तरीके से इस किट को यूज करना चाहिए और आपको कब करना चाहिए। क्योंकि आप जब एक किट को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीछे जो आपको जो डायरेक्शन दिए हुए हैं वो आपको पहले पढ़ ले, फिर जो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको चेक करना है, ताकि जो है आपसे किसी तरीके का गलती ना हो। क्योंकि आप जब इसे टेस्ट करते हो अगर थोड़ी सी भी कोई गलत जगह में आपने पुट कर दिया तो आपको जो है किट पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपको जो है एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो है आप इस किट को प्रॉपरली जो है प्रॉपरली यूज करें, ताकि जो है आपको गलत रिजल्ट नहीं आए। तो चलिए आज को वीडियो आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ग्लास में जो है यूरिन ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पे आप मुझे ये पैकेट के साथ क्या मिला है, एक ड्रॉपर मिला है और एक जो है प्रेगनेंसी किट मिला है। तो ये ड्रॉपर की सहायता से यूरिन लेना है और ये जो ड्रॉपिंग सेक्शन है यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे कि हम अभी ड्रॉपर की सहायता से यूरिन लेंगे और ये ड्रॉपिंग सेक्शन में जो है आपको 4 से 5 बूंद पुट करना है। और आपको वेट करना है कि आपको रिजल्ट आए, तो आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आ रहा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं कि टी सेक्शन में जो है ऑलरेडी एक लाइन देखने को मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कितना जल्दी, अगर आप पीरियड मिस होने के बाद चेक करते हैं तो आपको बहुत क्विकली रिजल्ट मिल जाता है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मैं अपने पीरियड मिस होने, मेरे पीरियड मिस हुए बहुत टाइम हो गए हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया है, तो उसके बाद चेक कर रही हूं तो टी सेक्शन में जो है लाइन बहुत जल्दी आ गई है और दोनों लाइन जो है प्रॉपरली दिख रही है। दोनों लाइन पूरी डार्क आ चुकी है, तो कुछ सेकंड ही काफी है कि आपको रिजल्ट आ जाए। वैसे तो किट के पीछे लिखा रहता है कि आपको 5 मिनट तक वेट करना चाहिए, तो अगर आप अर्ली टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगी। आपको टी सेक्शन का जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा डिले होगा, 1 से 2 मिनट का वक्त लग जाता है, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्रॉपरली एसिडी का लेवल अगर बढ़ चुका है तो आपको जो है रिजल्ट बहुत ज्यादा क्विकली आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड वाला लाइन जो है पूरा दोनों लाइन जो है पिंक देखने को मिल रहा है, बिल्कुल भी हल्का लाइन नहीं है, पूरी जो है करेक्ट रिजल्ट आई हुई है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें सेकंड लाइन जो है फेंट लाइन आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो है एसिडिटी का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं हुआ है। आपकी बॉडी में जो एसिडिटी का लेवल बहुत लो है, जिस वजह से किट प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाता है और आपको जो है हल्की लाइन शो करता है। तो अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी का लेवल बढ़ चुका है तो किट जो है प्रॉपरली डिटेक्ट करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। तो कुछ ही सेकंड में जो है रिजल्ट हमें मिल गया है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीरियड मिस होने के बाद ही चेक करें, ताकि आपको रिजल्ट प्रॉपरली आ जाए। पहले चेक करेंगे तो आपको फेंट लाइन आएगा या फिर आपको गलत रिजल्ट आएगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपको ड्रॉपर की सहायता से यहीं पे जो है यूरिन ड्रॉप करना है। अगर बाय मिस्टेकली यहां ड्रॉप कर देते हैं, यहां ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको इनवैलिड रिजल्ट आएगा, कोई भी लाइन नहीं आएगी, ना सी सेक्शन में लाइन आएगी ना टी में आएगी, पूरी जो है आपकी टेस्ट इनवैलिड हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही तरीके से जो है अपने प्रेगनेंसी को टेस्ट करें। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना है, किस तरीके से किट को आपको यूज करना है और आपको कितने टाइम में जो है रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे ही जो है आप कभी भी अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रहे हो तो सही तरीके से उसे चेक कीजिए, और जितना टाइम मैंने आपको दिखाया उतना वक्त ही आपको वेट करना है। आप बहुत ज्यादा वेट कर लोगे तो आपको जो है रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा और आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।